कालाडूंगी नगर में दुकानों और वाहनों में बढ़ती चोरियों को लेकर क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं क्षेत्रवासियों ने संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से उपजिलाधिकारी रेखा कोहली को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है, जिस पर नगर अध्यक्ष मयंक गुप्ता का कहना है कि क्षेत्र में नशे का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से चोरियाँ भी बढ़ रही हैं। कालाडूंगी से मुकेश सिम्बाल की रिपोर्ट। हमने संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगी के तहत एक अपने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, इसमें जिस तरीके से कालाडूंगी में चरस और स्मैक की तस्करी हो रही है और दिन प्रतिदिन हमारे कालाडूंगी और इससे लगे हुए गांव क्षेत्र के युवा उसमें फंसते जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं और फिर नशा करने के बाद कालाडूंगी और गाँव में चोरियाँ हो रही हैं, जिससे कालाडूंगी की जनता और कालाडूंगी व्यापारी सभी लोग परेशान हैं। इस संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगी के द्वारा ज्ञापन उपजिलाधिकारी महोदय को जो संबोधित है दिया गया है, और इसमें इन्होंने उल्लेख किया है कि कालाडूंगी में नशे का जो कारोबार बढ़ रहा है, इस संबंध में थानाध्यक्ष और सीओ साहब को जो है इसमें वार्ता की जाएगी और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया जाएगा उपजिलाधिकारी महोदय के।